YouTube पर एक व्यूज का कितना पैसा मिलता है, YouTube पर एक लाइक का कितना पैसा मिलता है, YouTube पर एक कमेंट का, एक सब्सक्राइबर का कितना पैसा मिलता है। ऐसे बहुत सारे सवाल मैंने कमेंट बॉक्स में देखे हैं। अगर आप भी एक नए यूट्यूबर हैं और यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं और आपके दिमाग में भी ये सवाल है कि यार ये जो मिलियंस मिलियंस व्यूज वाले यूट्यूबर है इनको तो लाखों करोड़ों रुपए मिलते होंगे, तो नहीं, ये आपका भ्रम भी हो सकता है। आज की वीडियो में मैं कंप्लीट सच्चाई के साथ आपको बताऊंगा कि वाकई में यूट्यूब आपको एक व्यूज का कितना पैसा देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिकबेट ओनली टेक। दोस्तों 3 साल का सफर मेरा लगभग कंप्लीट हो गया है यूट्यूब पे, और मैंने ये देखा है यूट्यूब पे कि मैं दिसंबर 2016 मैंने ज्वाइन किया था YouTube और उस वक्त से ही मेरा चैनल मोनेटाइज है, यानी बहुत सारी अर्निंग भी मैं यहां से कर चुका हूं। बात आती है कि YouTube पर व्यूज का, लाइक का, इन सब का कितना पैसा मिलता है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि YouTube पर लाइक का, व्यूज का, सब्सक्राइबर का, कमेंट का कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन ये सब चीजें आपकी अर्निंग में जरूर इफेक्ट करती है। तो अब बात यह आती है कि भाई फिर पैसा मिलता किसका है। तो देखिए, हम ऐसा आइडिया लगाते हैं कि यार 1000 व्यूज पे हमें इतने डॉलर मिल रहे हैं, 1 लाख व्यूज पे हमें इतने डॉलर मिल रहे हैं। एक्चुअल में हम ये जस्ट आइडिया लगाते हैं, बट यूट्यूब आपको व्यूज के हिसाब से कभी भी कोई पैसा नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूट्यूब आपको पैसा देता ही नहीं है, बल्कि यूट्यूब तो खुद आपकी वीडियो से पैसा कमाता है। आप कहोगे ये कैसे, तो देखिए सिंपल सी बात है, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना चैनल बना के अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं, और Google का एक दूसरा प्रोडक्ट है Google AdSense, जो एडवर्टाइजर, जो बड़े बड़े एडवर्टाइजर होते हैं उनसे एडवर्टाइजमेंट लेता है और आपकी वीडियोस पर उनको चलाता है, और उसमें से YouTube अपना हिस्सा ले लेता है और आपको आपका हिस्सा दे देता है। YouTube यहां पे 45% लेता है और आपको वो 55% देता है, यानी कि YouTube तो खुद आपकी वीडियोस से पैसा कमा रहा है। तो अब देखिए, पैसा हमने कमाया है एडवर्टीजमेंट से, ना कि व्यूज से, तो ये तो कहना ही गलत हो जाएगा कि कितने व्यूज पर कितना पैसा मिलता है। और भैया कुछ लोगों को लगता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइबर कमेंट से पैसा मिलता है, ये भी बिल्कुल बात गलत है। तो फिर सब लोग क्यों कहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, सब कुछ मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर कोई यूट्यूबर आपसे कहता है कि वीडियो को लाइक कीजिए, तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो उसको हौसला मिलता है लाइक करने का, एक अच्छा लगता है ना कि कोई हमें लाइक कर रहा है, वो कहता है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सिंपल सी बात है, वो उस वीडियो की एंगेजमेंट को इंक्रीज करना चाहता है ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी रैंक हो जाए, सर्चिंग में जाने लगे, यूट्यूब उसे लोगों को रिकमेंड करे। यानी कि यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये लगता है कि यार इस वीडियो पे इतने ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं और इतने शेयर हो रहे हैं, तो ये वीडियो में कुछ बात है, तो वो उसको ज्यादा रिकमेंड करता है लोगों को और उस पर व्यूज बढ़ते जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, किसी वीडियो पर अगर ज्यादा व्यूज आएंगे तो एडवर्टीजमेंट भी ज्यादा आएंगे, और अगर ज्यादा एडवर्टीजमेंट आएंगे तो आपको अर्निंग भी ज्यादा होगी। अब बात करें कि अर्निंग मिलती कितनी है, तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अर्निंग बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, इस पर मैं कई बार वीडियो बना भी चुका हूं लेकिन इतना डिटेल से मैंने आज तक नहीं बनाया। देखिए आप जो भी वीडियो बना रहे हो उस वीडियो का टॉपिक, उसका कंटेंट, जो टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन आप डाल रहे हो, वो टाइटल का जो कीवर्ड है, यानी कि किस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हो, उस कीवर्ड पे कितने रुपए की बिड लगाई हुई है एडवर्टाइजर ने, यानी कि एडवर्टाइजर एक कीवर्ड के हिसाब से ही एडसेंस को पैसा देता है, और उस कीवर्ड को टारगेट करके अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपको उसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलता है। तो यहां पर बहुत सारे कीवर्ड्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, दुनिया भर की कैटेगरी है, तो हर कैटेगरी में ये पैसा जो मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट का, ये डिफरेंट होता चला जाता है। तो ये आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है कि भाई किस कैटेगरी में कितना पैसा मिलता है, क्योंकि ये चेंज भी होता रहता है। हो सकता है आज किसी कीवर्ड पे कुछ और बिड चल रही हो, कल कुछ और चले और परसों कुछ और चले, तभी हम कई बार कहते हैं कि यार YouTube की अर्निंग गिर रही है, YouTube की अर्निंग बढ़ रही है, वो सब ये एडवर्टाइजमेंट की बिड की तरह होता है। तो हर कैटेगरी में एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा है वो बढ़ता घटता रहता है और इसका टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो पहला तो आ गया कैटेगरी, दूसरी बात आपकी वीडियो किस लोकेशन पे देखी जा रही है। अगर इंडिया में देखी जा रही है तो भाई एडवर्टाइजर कम पैसा देता है, US में देखी जाती है तो ज्यादा पैसा देता है, पाकिस्तान में देखी जा रही है तो कम पैसा देता है, तो कंट्री के हिसाब से भी वो चीज मायने रखती है। आप देखो यहां पे ये चीज आ गई। दूसरी बात, आपके वीडियो का जो कंटेंट है वो फुल एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली है तो आप पे ज्यादा ऐड आएगी, अगर येलो डॉलर है तो लिमिटेड ऐड आएगी, यानी कि ऐड ही कम आएगी। वीडियो 10 मिनट से बढ़ी है तो 1 से ज्यादा
ज्यादा एड आएगी, वीडियो 10 मिनट से छोटी है तो एक दो ही एड आएगी, ये इसका भी एक थोड़ा डिफरेंस होता है। कुल मिला के एक वीडियो का टॉपिक, उसकी कैटेगरी, उसका कीवर्ड और वो किस लोकेशन पे देखी जा रही है, इन सब से आपके जो पैसे हैं वो काउंट किए जाते हैं। अब अगर मोटा मोटा हम दिमाग लगाएं कि यार किस कैटेगरी पे कितना हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए एडसेंस में आप जब जाते हैं तो वहां पे आपको दो तीन चीज मिलती है। एक होता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, एक होता है सीटीआर यानी कि क्लिक थ्रू रेट, सब चीजों को आप समझ लीजिए। एक होता है आरपीएम, रेवेन्यू पर थाउजेंड, या एम का मतलब थाउजेंड है। अब सिंपल सी बात है, आरपीएम का मतलब है कि भाई रेवेन्यू पर थाउजेंड, सीपीसी का मतलब आपको समझ आया कॉस्ट पर क्लिक। यहां पे एडवर्टाइजर दो तरीके से, एडवर्टाइजर वाला जो बंदा है वो दो तरीके से एडसेंस को पे कर रहा है। पहला कि भाई इतने एड मेरे शो किए जाएंगे, जो रेवेन्यू पर थाउजेंड मैंने बताया इतने एड शो किए जाएंगे तो भाई इतना पैसा है, उसके बाद है कॉस्ट पर क्लिक, और अगर मेरे एड पर क्लिक आता है तो पर क्लिक इतना पैसा मैं दूंगा। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपकी सीपीसी जीरो रहती है उसके बाद भी आपकी अर्निंग होती है, क्योंकि एड तो शो हो रहा है उसका पैसा मिलता है, कॉस्ट पर क्लिक जो है वो जीरो है, यानी क्लिक का पैसा आपको नहीं मिलता। तो एडसेंस यहां पे क्या करता है कि आपके चैनल की जो वीडियोस होती है उन पर जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो जितने एडवर्टीजमेंट शो हुए रेवेन्यू पर थाउजेंड आरपीएम, वो पैसा जोड़ा जाएगा, वो अर्निंग आपकी जोड़ी जाती है। ओके, उसके बाद है मान लो आपकी सीपीसी जीरो है बिल्कुल, तब तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी सीपीसी 0.1 है, 0.2 है, तो कॉस्ट पर क्लिक यानी कि सीटीआर, मान लीजिए आपके चैनल पर 1000 एडवर्टीजमेंट दिखाए गए आज पूरे दिन में, और आपका मान लो 10% सीटीआर था, यानी 10% लोगों ने उन एड पर क्लिक भी किया, तो जितने क्लिक्स हुए उन पे जो सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक है, वो काउंट होगी, और जो आपके एड शो है वो दोनों काउंट होने के बाद आपकी अर्निंग जो है बनती है। तो कभी भी जब आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे कि 1000 व्यूज का पैसा इतना मिल जाता है, 2000 का इतना मिल जाता है, ये पूरा भ्रम है, इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि जो ये जो इनकम है ये बिल्कुल कोई भी नहीं बता सकता है एक्चुअल में। अब अगर बात करें एक रेशो की, मान लीजिए आज मेरी इनकम की बात की जाए, तो मैं आपको बता दूं मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियो है जहां पे 150 व्यूज पर ही $1 बन जाता है, कुछ ऐसी वीडियोज है जहां पर 4000 व्यूज पर भी $1 बनता है, कुछ ऐसी भी वीडियोज है जहां पर 8-10 हजार व्यूज पर भी $1 बनता है, और कुछ ऐसी वीडियोज है जहां पर 1000-1500 व्यूज पर ही $1 मिल जाता है। तो मैंने कई तरीके से आपको बताने की कोशिश की, हालांकि मैं पूरी वीडियो टैग की बनाता हूं। अब देखिए टैग में भी कीवर्ड कीवर्ड की बात है, सारी वीडियो टैग होती है लेकिन पर कीवर्ड मेरा जो रेवेन्यू है वो चेंज होता रहता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल लगाऊं कि भाई मेरे पूरे चैनल पर अगर मैं लगाऊं तो मुझे 1400-1450 व्यूज पर $1 बनता है पूरा, अगर मैं कंटिन्यू कर दूं तो। उनमें कोई वीडियो ऐसी है जिन पे 4000 व्यूज का $1 है, कोई वीडियो ऐसी है जिस पे 200 व्यूज का पर डॉलर है। तो सिंपल सी बात है, आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछे कि 1000 व्यूज का कितना पैसा मिलता है, तो आप समझ जाइए कि भाई व्यूज का खाली भ्रम है, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट का पैसा यहां पे मिलेगा। तो पूरी सच्चाई मैंने आपको बताई, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की यूजफुल वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।